सिंधु पानी देना थोड़ा, थैंक यू, पी लूँ ना, थैंक यू सो मच। मम्मी नहीं बोला मैंने, थैंक यू सो मच बोला है। और कैसे आंटी? बस ठीक हूँ आंटी, आपसे थोड़ा मुझे काम था वैसे। क्या? थोड़ा छाव में हो जाओगे? छाव में? हाँ थोड़ा मतलब पीछे आ जाओ ना, आपसे थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा मतलब काम की बात करनी है। गुस्सा तो नहीं हो गया आपको? नहीं गुस्सा क्यों होंगे, गुस्से की क्या बात है? वैसे मतलब आप एक क्वेश्चन है मेरा, पहले तो आप मतलब लव मैरिज को सपोर्ट करते हो या अरेंज मैरिज को? दोनों को सपोर्ट करती हूँ। दोनों को सपोर्ट करते हो? एक्चुअली ना मुझे ना एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है ना, मतलब उसको बोल नहीं पाया आज तक मैं। अच्छा। मतलब एक तरफा प्यार समझ लो वो, और अब क्या बोलूँ मैं, अब ना अपनी मम्मी के साथ घूमती इधर उधर। अच्छा। अब वो साथ में अकेले नहीं मिलते मुझे कभी, तो उस लड़की को कैसे बोलूँ मैं, समझ नहीं पा रहा। बोलना क्या है, आप यदि अच्छे लड़के हो और आप वेल सेटल हो तो जाके सीधा उसकी फैमिली से मिलो और बात करो और बोल दो उसको कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब सिचुएशन ऐसी होगी कि वो मतलब देखो गुस्सा मत करना, वैसे ना मुझे आपकी इसी लड़की से शायद मतलब प्यार है। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, ने झूठ बोल रहा है। नहीं झूठ नहीं बोल रहा मम्मी, मैं तो जानती नहीं हूं कि कौन है ये। मतलब क्या चल क्या रहा है, वो क्या मम्मी नहीं जानती तो कौन है मैं तो इसको जानता हूँ, गुस्सा मत हो, एक मिनट शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। देखो एक मिनट, देखो मैंने बोला था ना कि मैं एक मतलब उससे प्यार करता हूँ, उसको नहीं पता। लेकिन ये प्यार होता क्या है, ये जब बोल रही है कि वो तुमसे कुछ तुम जानती नहीं है तो प्यार कहाँ से आ गया बीच में? अभी मैंने आपको बोला था कि गुस्सा मत हो, एक मिनट शांत हो जाओ बिल्कुल। मैं शांत हूँ, मैं दोनों चीज को सपोर्ट। थोड़ा पानी पिला दो मुझे, एक मिनट थोड़ा पानी पिला दो। ये लो पानी। मुझे ये सब चीजें ना पसंद नहीं आती है। नहीं और तुम जानती हो मैं लव मैरिज कर चुकी हूँ, लेकिन मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन क्या है ये, क्या है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इसे नहीं जानती, वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ मत बोलो, तुम कौन हो, सच बोलो। आंटी क्या नाम क्या तुम्हारा? बसंत नाम मेरा आंटी, बसंत। आपका क्या नाम है? तुम्हें क्या करना मेरे नाम से, मैं तुम्हें नहीं जानती। अभी सही बोल रही है, तुम्हें क्या करना है? जब तुम बोलते हो प्यार करते हो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं इस एंट्री देखो जानता हूँ, बस इसको हर रोज देखता हूँ, मतलब मुझे इससे प्यार हो रखा है और अभी इसे बोल नहीं पा रहा था। आपको प्यार नहीं है? जब वो कह रही है उसे प्यार नहीं है तो नहीं है, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? अभी देखो मैंने बोल दिया आपको, बोला मैंने डायरेक्ट बात, मैंने कभी इसको नहीं बोला कि क्योंकि मैंने अभी हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम उसकी माँ से सीधा बात कर रहे हो, उसे बताया ही नहीं अभी तक कि तुम उसे प्यार करते हो। बताने का मौका ही नहीं मिला, अपनी मम्मी के साथ घूमती हर टाइम, आपके साथ रहती हर टाइम, ये तो क्या तुम्हारे साथ रहेगी? अभी बताओ क्या करना है, यहाँ से जाना है, चलते बनना है या फिर कुछ है और भी बोलना है? बोलना है, शांत हो जाए। आप तो गुस्सा हो रहे बहुत ज्यादा, ये गुस्से वाली बात है। आप इस तरीके से चलते है क्या, आपकी हैसियत क्या है, किस हिसाब से आप प्यार करने की बात कर रहे हो, औकात कितनी है तुम्हारी, क्या करते हो तुम? बता रहा हूँ गुस्सा क्यों हो रहे हो। देखो आंटी पहली बात तो ये, मैंने सुना था कि प्यार व्यार में मतलब ये औकात नाम की कोई चीज नहीं होती पहली तो, और प्यार कभी भी कहीं भी किसी से होता नहीं। कल को तुम्हारे घर आएगी, तुम किस तरीके से उसको रखोगे, क्या करोगे, क्या उसको प्यार ही खिलाओगे, क्या प्यार के नाम पे कपड़े के नाम पे तुम उसको प्यार ही देते रहोगे, दूसरी उसकी सारी जितनी भी जरूरतें उसको चीज को कैसे पूरा करोगे, क्या करोगे? अभी क्या, चलो एक मिनट दो मिनट बात कर लो इससे, कभी दो मिनट के लिए जो बातें करनी यही करो। अभी जान जाएंगे हम एक दूसरे के बारे में, क्या बात होगी, अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे सामने, मेरे नजर के सामने वहाँ जाके बात कर लो, जो करनी है बात है, लेकिन इसके आगे जाना नहीं जो भी है, क्योंकि मैं लव को सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको इतनी भी जरूरत दे दी है कि आप बात कर लो। कहाँ से आप वैसे, मतलब तुमको इतना भी नहीं पता है और तुम प्यार करते हो, मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो लेकिन तुम प्यार करते हो, किस तरह का प्यार है? अंधा प्यार है, अंधा प्यार आंटी, अंधा कर दूंगी मैं, अंधा कर दूंगी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, देखो दो मिनट उससे बात कर लो और फटाफट
कुछ भी अगर गलत किया। कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं जानती सीरियसली मम्मी। चलो जाओ बात कर लो, दो मिनट की बात कर लो। हाय, क्या नाम यार, ऐसे क्यों कर रही है, मरवाएगी क्या मुझे? झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, अभी मैंने मौका नहीं मिला, कभी कर लूंगा, मतलब हो जाएगा हमारे घर में। मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तुम नहीं है, मुझे मुझे नहीं इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। क्या करते हो आप अभी? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ अभी। 12th में? यार थोड़ा साइड मम्मी देख ली, तुम्हारी इधर आ जाओ ना, कर लो ना दो मिनट। यार देखो सुनो, क्या नाम है वैसे? हाय आयशा। हेलो, मेरा नाम बसंत है। एक्चुअली ना यार, मैं कसम से आपको मतलब हर रोज नोटिस करता था यहाँ पे, आप डेली जाते ना शाम को? हाँ, हम डेली आते हैं। हाँ, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था आप लोगों को, मैंने सोचा कि अब आप तो अकेले मिले नहीं, चलो देख लेता हूँ थोड़ा रिस्क उठा के। आज मैंने रिस्क उठा लिया, बहुत डर, तुम्हारी मम्मी तो बहुत मतलब बहुत डेंजर है मेरी मम्मी। यार मुझे डर लग रहा है, फिर क्या बता मतलब। यार मम्मी देखो, मम्मी क्या बोल रही थी, बोल रही थी कि मैं लव मैरिज को सपोर्ट करती हूँ। यार मम्मी से क्यों डर रही है, मैं समझा लूंगा एक बार, तुम यार दोस्ती तो कर लो। क्या नाम आपका? मेरा नाम बसंत है। यार मम्मी देख देते हैं यार, एक काम फेसबुक इंस्टाग्राम चला देखो साहब, व्हाट्सएप यार एक काम करो, देखो हम ना मतलब एज ए दोस्त रहेंगे, ठीक है? हाँ मतलब अब आगे आगे जाके कर लेंगे, अगर फ्यूचर में अगर कुछ होता है हमारा तो रह लेंगे, ठीक है? नंबर दे दो यार अपना, हम एज ए फ्रेंड रहेंगे, बात उत कर लिया। हमने मम्मी को कुछ मत बताना, इधर हो जाओ इधर हो जाओ, एक मिनट कुछ नहीं, नंबर एक्सचेंज कर लिया हम तो एज ए फ्रेंड। अभी बोल कर लू, बोलो अभी एज ए फ्रेंड आंटी, ज्यादा कुछ नहीं अभी बोल। अच्छा चलो, मैं दोस्ती को सपोर्ट करती हूँ, बट सोचो नंबर ही है। हाँ नंबर से बोल, क्या बोल रहे हैं आंटी? आपकी जनरेशन, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, कि आप लोगों की जनरेशन किस तरह की है, जो मतलब अभी तक आप प्यार कर रहे थे और अभी आप दोस्ती में आ गए और आपने फटाफट माँ के सामने ही नंबर सब एक्सचेंज कर लिया, मतलब किस किस टाइप में कहाँ जा रही है ये जनरेशन? क्या बताऊँ, देखो सच में मैंने बोल नहीं पाया कभी, मैं डेली नोटिस करता था आप लोगों को, तुम डेली आते ना, मैं यहाँ पे डेली मतलब यहीं पे आता हूँ, मैंने सोचा कि भी मतलब यहाँ के मतलब आप मुंबई में रहते हो तो मतलब खुला दिमाग होगा, मतलब होते ना देख। कभी रोका टोका नहीं है किसी भी चीज के लिए, ना ही कभी बोला है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को अपने जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए, इसलिए मैंने उसे भी अभी नहीं रोका कि तुम बात करो या जो भी है सेटलमेंट करो। लेकिन आप प्यार में पड़ रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको अपना समय देख लेना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। आप किसी को प्यार बोल रहे हो तो क्या आप उसके साथ में उतने समय तक रह पाओगे? तैयारी है आपकी कि आप उससे प्यार के बाद उस प्यार को निभा पाओ? सिर्फ प्यार प्यार करने से नहीं होता, प्यार के बाद उसके बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इसे पूरा करना चाहिए, तो उस बारे में सोचो। तब तक आप दोस्त रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिस पर गौर दोनों जन करना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो आगे चल के तुम दोनों को भारी पड़े, ठीक है? अभी दोनों जन अपनी अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, आगे बढ़ो, देखो यदि तुम दोनों को लगे कि भैया आगे कुछ हो सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन अभी ऐसा कुछ मत करो कि तुम दोनों को प्रॉब्लम हो जाए, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी मैं तो मतलब काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा ना हमारा खुद का मतलब फैमिली बिजनेस है। अच्छा, अब मेरी पढ़ाई मतलब कम्प्लीट हो गई है, तो हमारा मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई, मेरा मतलब जो फैमिली बिजनेस है उसी को संभालते हैं। कौन सी बात है आप ऐसा? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मतलब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, अभी डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो क्योंकि उसका 12th है। हाँ, लास्ट ईयर तो उसको कुछ अच्छे से पढ़ ले तो हाँ, ज्यादा बेटर है, बस एज ए फ्रेंड तो रह सकते हैं। हाँ, 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 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तरीके से और ज्यादा फालतूगिरी की बातें मत करना और ना काम गंदे करना, कोई जो मुझे प्रॉब्लम हो तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए ऐसी कोई चीज, ठीक है? आगे चल के हमारा कुछ हो सकता है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे काम को, मतलब यदि आप उस चीज के लिए सक्षम हैं कि भाई आप उसे संभाल सकते हैं, वो सब चीजें पूरी कर सकते हैं जो उसके डिमांड होंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन आप वैसे नहीं रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है? नहीं मैं सारी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा इसको फ्यूचर में भी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम। अभी आपके सामने ही बोल रही मैंने, चलो ठीक है। क्या नाम था आपका? आयशा। आयशा, चलो थैंक यू सो मच आयशा।
करते हैं। थैंक यू। अरे नहीं, इस सब चीज की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ की जरूरत। चलो ठीक है, ओके लेट ही हो रहा है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक मिनट थोड़ा पीछे आना, एक मिनट थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा काम है, आ जाओ थोड़ा आगे तो आओ एक बार, हम ना मतलब सुनो, एक मिनट सॉरी आपको डिस्टर्ब किया ऐसा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आंटी जी, मतलब सॉरी, हमारा ना उस तरफ कैमरा लगा, हम ना एक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। Oh my God! नहीं सॉरी, हम ना मतलब ये देख रहे थे कि मतलब ऐसे हो सकता है, ना ही हो सकता, अभी लोकल एरिया में से हम लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर, मतलब इस तरह की मतलब सोच नहीं है, थिंकिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको इससे? नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन फ्रेंड कभी मत कर। नहीं ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो कैसे नाम, क्या नाम था आपका वैसे? वैसे मेरा नाम वंदना है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू, ऐसा हम बात कर लिया करेंगे, बात करेंगे, ठीक ओके ओके। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और हाँ यार खुश रहा करो, ठीक है, आपके चेहरे पर स्माइल आए इसलिए तो मैं ये रिस्क उठाता रहता हूँ यार, हद है, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, खुश रहा करो यार, ठीक है, आपके चेहरे पर स्माइल सच में यार कसम अच्छी लगती है, एक बार हंस के तो देखो, है ना, बाय।